करनाल में हनीप्रीत के पति व ससुर रह चुके गुप्ता परिवार को जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। पीड़ित परिवार ने बाबा राम रहीम और हनीप्रीत पर आरोप लगाया है कि वो उन्हें मरवाना चाहते हैं, क्योंकि बाबा व हनीप्रीत जो जेल से बाहर अब मेदांता हॉस्पिटल में हैं, जिसकी शिकायत पुलिस में दे दी गई है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। तो वो इतनी जेलसी बाज लड़की है और वो डेरे की प्रमुख बनी बैठी है इस टाइम, ये सारी दुनिया को पता है। बाबा का परिवार है, वो क्यों नहीं बदानता जा रहा? वो क्यों नहीं टेंडर का कार्ड लेता? मर गए उसके परिवार, खून के रिश्ते ख़त्म हो गए, हनीप्रीत का रिश्ता रह गया। चाहे मुँह गोली है, चाहे जो भी है, वो तो आप लोगों को सबको पता है जी। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कभी सेफ हो ही नहीं। तो आपने करना, मैं एक आम आदमी हूँ और मैं इतना अफोर्ड भी नहीं कर सकता। ये सरकार देखे और एडमिशन देखे कि क्या चीज़ ठीक रहेगी जी। मैं इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। तो अब आपको पता है कि बाबा जो है मेदांता में है और हनीप्रीत भी उनसे मिलने गई है, तो हो सकता है वही होगी, वो वही होती, वो जा ही नहीं सकती है। जब तक बाबा बाहर है वो वहीं रहेगी। तो लगता है कि अब बड़े लोग जो है मेदांता में या बड़े अस्पतालों में जब एक बार आ जाते हैं तो वो जेल में कम जाते हैं, सेटिंग होती है कहीं ना कहीं। हाँ, सेटिंग होती है और वो उसको कॉन्स्पिरेसी का टाइम मिल गया। जेल में तो कितनी देर मिला जाता है, फोन पे बात होती है। अब पता नहीं किस किस के खिलाफ क्या क्या कॉन्स्पिरेसी करेंगे, वो क्या करेंगे, किसको खरीदेंगे, किसको बेचेंगे, उनका काम। क्योंकि इस 3-4 साल आपको कोई धमकी नहीं आई, अभी ऐसा क्यों आई धमकी, ऐसा क्या? ये तो आप जाने या एडमिनिस्ट्रेशन जाने। तो चाहेंगे कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल जायज होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बाबा और हनीप्रीत के खिलाफ और अब जो है उन्होंने फिर मेरे को धमकी दे दी थी कि मैं तेरे को किसी कीमत पर भी छोड़ेंगे नहीं दोनों को। अब पहले जो है 2017 में मेरे को कुर्बानी गैंग है एक डेरे का, उनकी चिट्ठी आई थी 4 TV चैनलों को और एक हमारे को कि तुम्हारे को मारेंगे तुम बाबा के खिलाफ बोलते हो। तो फिर अब मैंने उस टाइम भी FIR लॉन्च करा दी थी और TV वालों ने भी करा दी थी चंडीगढ़ के अंदर। अब जो है फिर रात 10:54 पर मेरे को फ़ोन आया, उसने कहा मैं कमल बोल रहा हूँ UP से और मैं तेरे को और तेरे पापा को, तेरे बेटे को विश्वास को मारेंगे हम, उधार लेना। उसके बाद वो टेलीफोन कट गया। उसके बाद फिर जो है 9:21 पे फिर कॉल आई, मैंने काट दिया, फिर कॉल आई, मैंने 4 बार मिस कॉल आई है फिर, लेकिन मैं फिर उसके बाद मैंने बंद कर दिया। हमें उनसे डर है बाबा से, क्योंकि बाबा बाहर आ गए तो ये हमारे साथ कुछ भी करा सकता है। हो सकता है वो उस कुर्बानी गैंग का ही बंदा हो जिसके के 200 आदमी हैं, अगर ये पुलिस एक्शन ले और वो बंदा पकड़ा जाए तो देश की बहुत ज्यादा हेल्प होगी, क्योंकि वो कुर्बानी गैंग के 200 बंदे। वहीं पुलिस अधिकारी का कहना है कि पीड़ित परिवार की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई जारी है। यूपी गुप्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर के एक शिकायत दी थी। उस शिकायत में उन्होंने ये कहा है कि जी उनको कल रात में उनके मोबाइल पर किसी अज्ञात व्यक्ति का एक कॉल आया था और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। उसके आधार पर हमने शिकायत उनकी रिसीव कर ली है और संबंधित थाने में उसको जाँच हेतु भिजवाया जा रहा है और मामले की गहनता से जाँच की जाएगी और इसमें यदि लगता है कि वाकई में इसके जान से मारने की धमकी दी गई थी तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर धमकी अभी हमारे पास शिकायत आई है, ये सभी जाँच का विषय है कि इसमें कौन कौन व्यक्ति सम्मिलित हो सकते हैं और वास्तव में मामला क्या था, ये जाँच के दौरान ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी शिकायत करता है उसको किसी प्रकार से कोई खतरा ना हो। अभी सुरक्षाकर्मी उनको मुहैया करवाए गए हैं, यदि हमें उनकी सुरक्षा के लिए कुछ और भी कदम उठाने पड़े तो वो भी कदम। तो जिसने सर धमकी दी है उनका संपर्क पता चल पाया कि वो कहां का रहने वाला है, क्या मामला है? नहीं, अभी उसके जो हनीप्रीत के रह चुके पति विश्वास गुप्ता और ससुर MP गुप्ता की माने तो इससे पहले भी कई बार धमकी भरे खत आ चुके हैं, लेकिन जब जेल में थे तो ऐसी बातें सामने नहीं आई थी। मगर अब इलाज के लिए बाबा राम रहीम जेल से बाहर आए हैं तो वहीं मेदांता में बाबा की देखभाल करने के लिए हनीप्रीत भी डटी हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि ये फोन बाबा राम रहीम और हनीप्रीत ने मिलकर ही करवाया है, जिसे हमें जान का खतरा सता रहा है। अब पुलिस अधिकारी से गुहार है कि जल्द ही इस पूरे मामले की जाँच करवाई जाए। फिलहाल इस परिवार ने धमकी भरा फोन आने के बाद पुलिस को शिकायत दी है, तो वहीं पुलिस ने भी मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कॉल किसने किया, क्या सचमुच इस परिवार को बाबा राम रहीम और हनीप्रीत से खतरा है या फिर कोई और माजरा है। अब देखना ये होगा कि पुलिस जांच में क्या निकलकर सामने आता है। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।